इसराइल हमास का युद्ध अब और खतरनाक होने वाला है। गाजा पट्टी में हर दिन इसराइल के तेवर कड़े होते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच फिर से हमास के लड़ाके खुलकर इसराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। लड़ाकों ने इसराइल के कई हिस्सों को टारगेट करके संदेश दिया है कि अब हमास चुप बैठने वाला नहीं है। और बड़ी बात तो ये है कि अब हमास अकेले नहीं है, उसके साथ कई ऐसे ब्रिगेड हैं जिसके नाम भी पहले नहीं आपने सुने होंगे। वो कौन सी ब्रिगेड है, वो कैसे काम करते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। गाजा पट्टी की हर सुबह बारूदी है। हर सूर्योदय के साथ इजरायली सेना कहर बनकर बरस रही है। हर ठिकाने पर हमास का खेल खत्म किया जा रहा है, लेकिन ये सब अब आसान नहीं है। इजरायल के सामने हमास ने अब नई चुनौती और चालाकी का जाल बिछा दिया है। आईडीएफ के सामने हमास ने अपना सिर उठाया है और इजरायली राहों में हमास ने फिर से रोड़े बिछाने का काम शुरू कर दिया है। एक तरफ इजरायली सेना गाजा में आफत बनकर बरस रही है, तो दूसरी तरफ हमास फिर से इजरायल के सामने खड़े होने की कोशिश में है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में सिर्फ मौत बरसा रही है, तो हमास इस आफत से लड़ने के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में है। ये तस्वीरें इसी बात की गवाह है। हमास की तरफ से कहीं इजरायली ड्रोन को गिराने का दावा किया गया, तो कहीं अटैक की बात कही गई। इजरायल के अश्कलोन में रॉकेट से हमला किया गया। ये तस्वीरें इस बात की भी तस्दीक करती हैं, ना तो ये युद्ध एक तरफा है और ना ही इस युद्ध में सिर्फ इजरायल का बोलबाला है। इससे पहले इजरायल ने गाजा पट्टी के बड़े अस्पतालों में से एक अल शिफा अस्पताल को टारगेट किया था। उसके ठीक बाद हमास चीफ के घर पर एयर स्ट्राइक करके मिट्टी में मिला दिया था। कहते हैं कि हमास चीफ हानिया का घर सिर्फ घर नहीं था, इस जगह पर हमास की मीटिंग चलती थी। यहीं से तय होता था कि आईडीएफ को कैसे घेरना है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजरायल आफत बनकर टूट रहा है। एक दिन में सैकड़ों से ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं। क्या घर, क्या अस्पताल, क्या हमास का सेंटर, आईडीएफ ने गाजा पट्टी के चप्पे चप्पे को बारूद के धुएं से भर दिया है। यह तय है कि यह युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। ना तो इजरायल मानने को तैयार है और ना ही हमास हार मानने को तैयार है। ये सच है कि हमास अभी चुप हो गया था, लेकिन हमास अब अपनी खामोशी खत्म कर रहा है। इजरायल के सामने बारूदी जवाब लेकर तैयार है। इजरायली आक्रमण के बीच हमास ने ना सिर्फ दो तीन जगहों पर अटैक किया है, बल्कि हमास को एक साथ कई ऐसे ब्रिगेड का साथ मिल रहा है जिनके नाम के बारे में अब तक किसी को कुछ मालूम नहीं है। अल अक्सा शहीद ब्रिगेड, अल नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड, अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड, नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड, जिहाद जिब्रील ब्रिगेड, मुजाहिदीन ब्रिगेड, ये वो नाम है जो हमास के साथ हैं, इसराइल के खिलाफ हैं। ये वो नाम है जिनके बारे में किसी के पास कोई विशेष जानकारी नहीं है, और ना तो उनके लड़ाकों के बारे में, ना ही उनके काम करने के तरीकों को लेकर। ये वो नाम है जो सिर्फ हमास की तरफ से खड़े हैं और अब आईडीएफ की नाक में दम करने को तैयार है। विस्तार से जानते हैं कि ये गुमनाम नाम कौन है और इनका इतिहास क्या है। अल अक्सा शहीद ब्रिगेड मुख्य रूप से वेस्ट बैंक से संचालित, गाजा में अभी भी सक्रिय है।
अल नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड गाजा का तीसरा सबसे बड़ा समूह वेस्ट बैंक में भी काम करता है। साल 2000 में इसकी स्थापना की गई। अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड वेस्ट बैंक और गाजा से संचालित ब्रिगेड ब्रिगेड रॉकेट बनाने में भी सक्षम। नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड इसराइल के साथ कई बार युद्ध किया, कई ब्रिगेड के साथ काम करने का अनुभव, गाजा में सबसे ज्यादा सक्रिय। जिहाद जिब्रील ब्रिगेड ब्रिगेड सीरिया और गाजा से संचालित, फिलिस्तीन के लिए कई बार युद्ध किया, ब्रिगेड साल 1969 से लगातार एक्टिव। मुजाहिदीन ब्रिगेड मुख्य रूप से गाजा से संचालित, वेस्ट बैंक में भी ब्रिगेड के लोग एक्टिव, साल 2002 से लगातार एक्टिव। मतलब इस युद्ध में अब हमास अकेले नहीं है, इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए उसके साथ ऐसी कई ब्रिगेड हैं जिनके लड़ाके अब आईडीएफ को उसी के अंदाज में बारूदी जवाब देने को तैयार हैं। गाजा पट्टी में युद्ध का तरीका अब बदलने वाला है, क्योंकि एक तरफ हमास अपने सहयोगियों के साथ तैयार है तो इसराइल किसी तरह से गाजा को बख्शने के मूड में नहीं है।